नंदनगढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए डकैती करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। वहीं उनसे कुछ हथियार भी जब्त किए। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर नगराले ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को नंदनगढ़ पुलिस स्टेशन के डीवी पतक के पुलिस उप निरीक्षक रहाटी अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी उन्हें गुप्त सूचना मिली कि हिवरी नगर से सर्वेशी नगर वाठोडा रिंग रोड के पास कुछ लोग झाड़ियों में डकैती डालने के इरादे से छुप कर बैठे हैं। इसी जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए नंदनगढ़ के डीवी पतक के पुलिस उप निरीक्षक रहाटी, हेड कांस्टेबल सिद्धार्थ, पुलिस सिपाही संदीप, हेड कांस्टेबल प्रेम तथा पुलिस कांस्टेबल विनोद ने घटनास्थल पर दबिश डालकर झाड़ियों में छुपे 5 आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि इस दरमियान 3 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई, वहीं 2 आरोपी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार होने में कामयाब हो गए। दिनांक 27/2/2021 डीबीजी पीएसआई प्रेम विनोद हे एरियात पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना गुप्त माहिती मिळाली की हिवरीनगर ते संघर्षनगर वाठोडा रोडवर काही इसम हे झुडपात लपून दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असल्याची गुप्त माहिती मिळाल्याने आम्ही 2 पंचासमक्ष सदर ठिकाणी जाऊन रेड केली असता सदर ठिकाणी 5 इसम हे दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असताना मिळून आले। त्यापैकी 2 इसम हे पळून गेले। त्यांच्याकडे जे साहित्य मिळालं त्याच्यामध्ये 1 चाकू, 2 लोखंडी पाते असलेले साहित्य, नायलॉन दोरी, मिरचीपूड असं साहित्य जप्त करण्यात आले। जे आरोपी मिळून आले त्यांचे नाव असे आहे, स्वप्नील उर्फ लाका, वसंतराव देरकर हा महाविष्णुनगर नरसाळ्याचा राहणारा आहे। दुसरा इसम आहे नितीन तुळशीराम दुगवार, हा पण नरसाळ्याचा राहणारा आहे। तिसरा इसम आहे अविनाश उत्तम रंगारी, हा ठोंबरा जिल्हा तालुका उमरेडला राहणारा असून हे तिघेही रेकॉर्डवरील आरोपी आहेत। जे 2 इसम पडून आहेत त्याच्याबाबत त्या इसमाकडून माहिती दिली, त्यातले एक अतुल केवलराम शेंडे व भूऱ्या उर्फ सूरज शाहू हे सगळे रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून यांच्यावर कलम 399, 402, 425 भारतात 125 मुंबईमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। सदरचे आरोपी हे 2 तारखेपर्यंत PCRमध्ये। सदर परिसरात देशपांडे लाऊट सारखी वस्ती आहे, तिथे व्यापारी लोक राहतात, त्या भागामध्ये त्यांचा दरोडा टाकण्याचा होती। गिरफ्तार आरोपियों का नाम स्वप्निल वसंतराव देरकर, नितिन तुलसीराम दुगवार तथा अविनाश रंगारी है, जिनके पास से 1 चाकू, 2 लोखंडी पाती वाले हथियार, नायलॉन रस्सी और मिर्ची की पुड़िया जब्त की है। वहीं 2 आरोपियों की खोजबीन में नंदनगढ़ पुलिस जुटी है और आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, PCN न्यूज नागपुर।